हूँ कि ये सही है। सही है, चलो चलो। अच्छा टाइम हो जाए ना 11:25 तो वहाँ से इशारा करना मेरे को। अपने मोबाइल लाया, इसे देख लेते हैं। स्टार्ट कर दे। नहीं करते लोग, जुड़ रहे हैं। हेलो याली हो एवरीवन, याली हो, याली हो मैम, याली हो स्वाति मैम। याली हो सर, याली हो प्रभा मैम। गुड मॉर्निंग सर, एक मिनट मैं वेट कर रही हूँ। याली हो एवरीवन, नमस्कार। याली हो सर, याली हो काजल मैम, याली हो प्रभा मैम। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सहयोगी शिक्षक शिक्षिकाएं, परम आदरणीय अभिभावकगण, आप सभी को सहृदय नमस्कार। सर्वप्रथम मैं हम सबके प्रिय एवं परम आदरणीय प्रिंसिपल सर श्रीमान हितेश पुरी सर का शुक्रिया अता फरमाना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान करके इस धरातल पर लाकर खड़ा किया, जिससे कि मैं अपने कुछ विचार आप लोगों के साथ बांट सकूँ। आज का मेरा जो विषय है, खोया हुआ सा कुछ, वो आप सबके मन में एक जिज्ञासा, एक उत्कंठा अवश्य खड़ी कर देगा। परंतु वास्तविकता ये है कि ये उत्कंठा इसलिए खड़ी होगी कि आखिर हमने ऐसा तो क्या खो दिया है। परंतु वास्तविकता ये है कि आज के समय की भीषण परिस्थितियों को देखते हुए हमने अपना सब कुछ खो दिया है, और उसके लिए हम सभी जिम्मेवार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। परित्राणाय साधुनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब धर्म की स्थापना के लिए और धर्म के विनाश के लिए, सज्जनों के परित्राण अर्थात उनकी रक्षा के लिए एवं दुष्टों के विनाश के लिए मैं इस धरा पर हर युग में जन्म लूँगा। परंतु आज के समय की इस विभीषिका को देखते हुए एवं मानव मन की इस निशंसता को देखकर ऐसा लगता है कि ईश्वर ने भी अपने हाथ ऊँचे कर दिए हैं और प्रकृति को ये समझा दिया है कि अब तुम्हें ही इंतकाम लेना है। कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई थी जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया, लेकिन हुआ यह है कि आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को ही अपनी जागीर मान लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें ही खत्म हो गईं या फिर वे अपना ठोर ठिकाना छोड़कर अन्यत्र कहीं चले गए।
फिर भी आज भी वे एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। कहना न होगा, इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिलें, इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिलें, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। कैसा विरोधाभास है, कैसी त्रासदी है, क्योंकि हम ही ने सीमेंट के ये जंगल खड़े करके इन निरीह प्राणियों को भटकने के लिए, दर बदर भटकने के लिए मजबूर कर दिया है। तो क्या कुछ हमने नहीं खो दिया, क्योंकि इनके जाने से प्रकृति के अंदर जो असंतुलन आया उसका खामियाजा हम आज भी भोग रहे हैं। इतना भर भी हुआ होता तो गनीमत थी, लेकिन आदमी नाम के इस जीव की भूख अभी भी समाप्त नहीं हुई है, और ये अपने अंदर सब कुछ समेट लेना चाहता है। अब वह अन्य प्राणियों को नहीं, खुद अपनी जात को भी दर बदर करने से ज़रा भी परहेज नहीं करता। आलम यह है कि उसे न तो किसी के सुख दुख की चिंता है और न किसी को सहारा या सहयोग देने की मंशा। दूर क्यों जाएं, आज ही के परिवेक्ष में हम देखें तो इसका जीता जागता उदाहरण है चीन के द्वारा समस्त विश्व को भेजा गया अजीम तरीन तोहफा कोरोना वायरस, जिसके ऊपर हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। अतः अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस कोरोना वायरस के चलते समस्त मानव जाति, सारी खुदाई, समस्त विश्व मानो ठहर गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुदरत हमारा इम्तिहान ले रही है, कुदरत हमारा इम्तिहान ले रही है, या यूं कहिए कि दबे पांव जान ले रही है। चले थे हम चांद तारों को कैद करने, अब धरती भी सर से आसमान ले रही है। अब आलम यह है कि हमने अपनी आज़ादी, अपनी सांसें तक वक्त के हाथों में गिरवी रख दी हैं, और पशु पक्षियों की भांति घर रूपी पिंजरे में कैद रहने के लिए विवश हो गए हैं। वर्तमान युग में व्यक्ति स्वार्थ लोलुप आत्मकेंद्रित हो गया है, अतः चारों ओर भय, संत्रास एवं तनाव का वातावरण है। अपने दुख में रोना साधारण सी बात है, हर कोई रोता है, परंतु दूसरों के दुखों से द्रवित होना, दूसरे दुख के दुखों की अनुभूति करके द्रवित होना, तथा उस समय उस मनुष्य की आंख से गिरा हुआ वो आंसू मोती के समान है। यहाँ पर मैं आपको नूह नामक पैगंबर साहब के विषय में एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहती हूँ, जिनका की वास्तविक नाम लश्कर था। इसका जिक्र बाइबल एवं अन्य पावन ग्रंथों में भी मिलता है। उसका कारण, वे पूरी उम्र रोते रहे, वे ताज जिंदगी रोते रहे, और कारण था सिर्फ एक जख्मी कुत्ता। उन्होंने उस जख्मी कुत्ते को उसकी दुर्गंध से परेशान होकर उस जख्मी कुत्ते को दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा जख्मी कुत्ते। कुत्ते ने उनके दुत्कार सुनकर उत्तर दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला तो हम सबको वही एक ईश्वर, वही परवरदिगार, वही अल्लाह है, और यदि तुम्हें अपनी मानव जात पर इतना ही ज़्यादा भरोसा है तो फिर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो कि मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, किस में कितना कौन है, कैसे हो पहचान। वो कहना चाह रहा है कि मृत्यु के पश्चात जब हम दोनों के ही शरीर इस मिट्टी में मिल जाएंगे, तब तुम कैसे पहचानोगे कि कौन सी मिट्टी मेरी है और कौन सी मिट्टी तुम्हारी। संत कबीर दास जी ने भी मिट्टी और कुम्हार के उदाहरण के द्वारा इस बात को और भी ज़्यादा सुंदर तरीके से समझाना चाहा है। कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो मिट्टी को वो अपने पैरों तले रौंदता है, जिससे कि वो स्मूद हो जाए, मुलायम हो जाए एवं बर्तन सुचारू रूप से बन सकें। तो मिट्टी कुम्हार से कह रही है, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। मिट्टी कह रही है कि हे कुम्हार, तू अपने पैरों तले मुझे क्या रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मैं तेरे सारे वजूद को ही अपनी मिट्टी के तले ढक दूंगी। तो
तो फिर मेरा ऐसा सोचना है कि जब हम सबको एक दिन उस 2 गज जमीन के नीचे ही जाना है, हम सबको उस मिट्टी में ही मिलना है, तो फिर किस बात का अभिमान, किस बात का अहंकार, किस बात का गुरूर? क्यों नहीं हम सब एक धरातल पर आकर मानवता तथा मानव कल्याण की बातें सोचते हैं? क्यों नहीं हम सहानुभूति, भाईचारे और सद्भाव के बीज बोना सीखते हैं, जो कि आज हम खो चुके हैं या लुप्त प्राय हैं? मेरा दूसरा वाक्या सिंधी भाषा के प्रसिद्ध महाकवि शेख अयाज की अपनी आत्मकथा से उद्धृत है। शेख अयाज ने लिखा है कि एक बार उनके पिताजी कुएं पर से स्नान करके लौटे और भोजन की थाली पर बैठे तो उन्होंने देखा कि उनके सीधे हाथ के कुर्ते की बांह पर एक चींटा रेंग रहा है। वे तुरंत भोजन की थाली से उठ खड़े हुए। उनकी माताजी ने पूछा, क्या हुआ, क्या भोजन अच्छा नहीं बना? उन्होंने कहा, नहीं, भोजन तो मैंने अभी चखा ही नहीं। पहले मैंने जिसको घर से बेघर कर दिया है उसको उसके घर तो पहुंचा आऊं। और वे वापस भोजन की थाली से खड़े होकर उस चींटे को उसके दर तक छोड़ कर आए। बिरले ही थे वे लोग जो एक चींटे की जान बचाने के लिए दुखी हो रहे हैं। बिरले ही थे वे लोग जो एक कुत्ते का अपमान करके परेशान हो रहे हैं। और यहाँ हाल ये है इस मानव जात का कि जो अपने मद के नशे में चूर मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता, तो कहना ही पड़ेगा कि किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा? उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि न ही मानुषात श्रेष्ठ तरम ही किंचित, कि इस धरा पर इस मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं, इवन यहाँ तक कि ईश्वर भी मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, किंतु आज वही मनुष्य सबसे ज़्यादा जहरीला हो चुका है। आधुनिक हिंदी के प्रसिद्ध कवि अज्ञेय जी ने तो सांप से ये प्रश्न भी कर डाला कि हे सर, तुम तो कभी शहर में बसे ही नहीं, तो फिर तुम इतने जहरीले कैसे हो गए? ये जहर तुम्हारे अंदर कहाँ से आया? अर्थात आज मनुष्य का जहर सांप से भी ज़्यादा जहरीला है। बाबा रामदेव जी ने योग सिखाते समय एक बार कहा था, जल जहरीला, हवा जहरीली, मन जहरीला, तन जहरीला, विचार जहरीले, मनह मस्तिष्क जहरीला। तो फिर ऐसा कौन सा अमृत है जो आकर इस मानव जात को जिंदा रखने वाला है, जबकि हमारा सारा वजूद वैमनस्यता, ईर्ष्या और द्वेष के जहर से सराबोर है। आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में हमने अपना सब कुछ ताक पर रख दिया है। दुनिया कैसे वजूद में आई, कहाँ से इसकी यात्रा शुरू हुई, इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान अपने तर्क से देता है और धार्मिक ग्रंथ अपने तर्क से, लेकिन ये धरती किसी एक की बपोती या जागीर नहीं, इसमें सबकी बराबर की हिस्सेदारी है। इसमें पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुद्र आदि सबकी बराबर की हिस्सेदारी है। ये बात और है कि चतुर मानव जाति ने अपनी बुद्धि से यहाँ भी दीवारें खड़ी कर दी। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलते थे। बड़े बड़े दालानों में सब मिलजुल कर रहते थे। वही घर आज छोटे छोटे डब्बों में परिवर्तित हो गए हैं। बढ़ती हुई आबादियों ने समुद्रों को, नदियों को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया है। पेड़ों को रास्तों से हमने हटाना शुरू कर दिया है। प्रदूषण ने पंछियों को उजाड़ना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन का परिणाम है। और प्रकृति जो कि हमारी सहचरी है, हम उसे खोते ही जा रहे हैं। उसे खोकर हम अपना सुख, चैन, अमन, शांति सब कुछ खो चुके हैं, और जिसे हासिल करना बहुत मुश्किल की बात हो गई है। जो दूसरों को दुखी करते हैं वे स्वयं भी एक दिन तो दुखी होते ही हैं,
किसी ने क्या खूब कहा है कि मिट जाते हैं औरों को मिटाने वाले, मिट जाते हैं औरों को मिटाने वाले, लाश कहाँ रोती है, रोते हैं जलाने वाले। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बाती के समय फूलों को मत तोड़ो, वे बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो, नदी पर जाओ तो उसे प्रणाम करो। कबूतरों को मत सताओ, वे हज़रत मोहम्मद के अजीज़ हैं। मुर्गे को परेशान मत करो, वो सुबह उठकर सबको बांग देकर जगाता है। तो इस प्रकार से न कितना हमारे पूर्वज प्रकृति का, पशुओं का, पक्षियों का कितने सुंदर रूप से ध्यान रखते थे। आज हम में से कितने ऐसे हैं जो इसको बचाए रखना चाहते हैं, और कितने ऐसे हैं जो अपने बच्चों में या हम अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालना चाहते हैं। तो क्या आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम अपने सभ्यता, अपनी संस्कार, अपने जीवन मूल्यों और अपने जीवन मूल्यों के मापदंडों को नहीं खोते जा रहे? जब प्रकृति उदार मन से हमें सब कुछ देने को तैयार है, तो फिर हम क्यों इतने कृतघ्न हो रहे हैं? क्यों खो रहे हैं हम अपनी उदारता, दयालुता, भाईचारा, सौहार्दता, प्रसन्नता, अपनी सज्जनता और मानवता की सुगंध, जिससे कि सारी धरा कभी सराबोर थी? जरा सोचिए, मेरा ये प्रश्न आप सभी के लिए है। हम हर समय अपने दुखों के लिए या तो ईश्वर को या परिस्थितियों को जिम्मेवार मानते हैं। एक बंदे ने सदगुरु से पूछा, क्या है जिंदगी? सदगुरु ने जवाब दिया, न सुख है जिंदगी, न दुख है जिंदगी, न गम है जिंदगी, न खुशी है जिंदगी, बस अपने अपने कर्मों का हिसाब है जिंदगी। क्योंकि हम जो बोते हैं वही काटते हैं, हम जो खड्डे खोदते हैं उसमें एक न एक दिन हमको स्वयं ही गिरना है। यदि हम ये बात या ये परिभाषा अच्छी तरह समझ लें, तो शायद ये धरा ऐसी बने कि खुद जियो और दूसरों को जीने दो। तो बस आज से हम अच्छे कर्म करें। महर्षि व्यास ने कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। वो कहना चाहते हैं कि यदि आप मेरे 18 पुराण इंक्लूडिंग महाभारत को उठकर पढ़ लेते हैं, तो कोई आपसे पूछे कि सार तत्व क्या है, तो मैं बता देता हूँ कि मेरे 18 पुराणों का सार तत्व यही है कि दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना पुण्य है, और दूसरों के लिए मुसीबतें खड़ी करना, दुख पैदा करना ही पाप है। और मेरे विचार से पाप और पुण्य की इतनी सुंदर, सजीव, सरल और सटीक परिभाषा अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में कितने सटीक रूप से लिखा है, औरों को हंसते देख मनु, हंसो और सुख पाओ। औरों को हंसते देख मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। यहाँ पर प्रसाद जी यानी मनु मनुष्य को उपदेश दे रहे हैं कि यदि तुम अपनी खुशी ढूंढना चाहते हो, अपना सुख ढूंढना चाहते हो, तो पहले तुम दूसरों को सुखी करो, तुम स्वयं सुखी अपने आप हो जाओगे। इसमें दूसरों को सुखी तथा प्रसन्न चित्त करने की बात की जा रही है। परंतु हम में से कितने ऐसे हैं, मैं भी इससे कोई परे नहीं हूँ, हम सभी एक ही मनुष्य जाति में हैं, तो हम में से कितने ऐसा सोचते हैं? हमारे अंदर ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, घृणा से सराबोर एक ही भावना भरी रहती है, भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज़्यादा सफ़ेद कैसे? उम्मीद है आप मेरी बात अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। हमें अपने अंदर सोई हुई मानव चेतना को जगाना होगा। सहानुभूति, प्रेम, वात्सल्य, मानव का मानव के प्रति लगाव, दूसरों के दुखों की अनुभूति करना, इन सब गुणों का अपने अंदर समावेश करना ही होगा। यदि हमें, जिनको कि हम अपने हृदय से तिरस्कृत कर चुके हैं, इन गुणों को हम अपने हृदय से पूर्ण रूप से निकाल चुके हैं, भला मुझे उसके दुख से क्या वास्ता, मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है, मुझे क्या लाभ मिलने वाला है? यदि यही भावना सदैव रही, तो वो दिन दूर नहीं कि सब कुछ तो खो चुका है, सिर्फ एक मानव जाति है जो विनाश के कगार पे खड़ी है और जिसे बचाना है हम सबको। यदि इन परिस्थितियों को, इन विभीषिकाओं को नहीं रोका गया, तो मैं सच में कहती हूँ
कि जिंदगी हम सब के लिए एक बद्दुआ, एक अभिशाप बन जाएगी। राष्ट्रीय चेतना के प्रसिद्ध कवि दिनकर जी की इन पंक्तियों के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम लगाती हूँ, परंतु साथ ही छोड़कर जा रही हूँ एक प्रश्न चिन्ह, जो कि समस्त मानव जाति के लिए है, कि हम कौन थे, क्या हो गए, और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी और समाधान भी यही है कि हमें इस पशु प्रवृत्ति से ऊपर उठना होगा। अब अरे, अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यदि एक मनुष्य दूसरे के लिए परेशान नहीं है, एक मनुष्य दूसरे के सुख के लिए लालायित नहीं है, तो क्या बचेगा इस धरा के ऊपर। आप आज हम सब कोरोना वायरस की इस विभीषिका को देख चुके हैं, समझ चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि मैंने राक्षस तो नहीं देखे, परंतु बच्चों को कहानियाँ सुनाते समय हम अवश्य ये कहते हैं कि राक्षस के बड़े बड़े दांत होते हैं, उसके सींग होते हैं, परंतु आज मनुष्य बिना सींगों और बड़े बड़े दांतों वाला राक्षस ही है। उसके अंदर की जो प्रवृत्ति है वो मनुष्यता से हटकर राक्षस प्रवृत्ति ही उसके अंदर घर कर गई है। कबीरदास जी ने क्या खूब कहा है, वृक्ष कबहू न फल भके, नदी ने संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, नदी कभी अपना जल संचित नहीं करती, तो जितने भी अच्छे मनुष्य हैं इस धरा पर, उन्होंने सदैव दूसरों की भलाई के लिए ही इस शरीर को धारण किया है। तुलसीदास जी ने भी अपनी एक चौपाई में कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि भाई दूसरों का भला करने से बड़ा अन्य कोई धर्म नहीं है। तो क्यों हम हटते जा रहे हैं इस धर्म से दूर, कितना हमें करना है, कितनी मेहनत उसके पीछे लगानी है, सिर्फ और सिर्फ अपने कल्याण चाहे आप पहले सोचें, परंतु मेरी इच्छा है कि आप दूसरे का कल्याण भी साथ में सोचें। आप ऐसा ना सोचें वो ऐसा है तो मैं ऐसा हूँ, वो वैसा है तो मैं वैसा हूँ, नहीं, हमें वैसा नहीं बनना है। कुछ ही व्यक्तियों के कारण तो ये धरा टिकी हुई है, यदि सभी मनुष्य एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए तो किस प्रकार से ये धरा रुकेगी, किस प्रकार से मानव कल्याण होगा। जब मानव ही मानव के बारे में सोचने को तैयार नहीं, तो ईश्वर हमारा कितना साथ दे देगा। अंत में एक छोटे से दोहे के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ, कि हमारा जहाँ ये प्रश्न रहता है कि वो मेरे साथ ऐसा है तो मैं भी वैसा हूँ, तो इसका रहीम दास जी ने एक सुंदर सा उदाहरण पेश किया है कि संत ने छोड़े संत ही दुर्जन हुके संग, चंदन वृक्ष लपटत रहत का करी सकत भुजंग। वे कहना चाह रहे हैं कि चंदन के जो वृक्ष जंगल में उगते हैं उन पर हर समय सांप लिपटे रहते हैं, क्योंकि सांपों को खुशबू और चंदन की शीतलता बहुत भाती है, किंतु उसके बावजूद चंदन अपनी शीतलता को और अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता है, जबकि दिन रात वे सर्प उसके ऊपर अपने विष वमन करते रहते हैं, विष की उल्टी करते रहते हैं। तो आप सभी से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि हमें सर्प नहीं चंदन बनना है, हमें मनुष्यता, सहानुभूति, दुखों की अनुभूति, पराए के दुख को समझना, दूसरे के दुखों को दूर करना, दूसरों के दुखों की अनुभूति करना, परोपकार की भावना को जागृत करना, इन सब गुणों को अपने अंदर समा लेना है, इसकी शीतलता को अपने अंदर समा लेना है, और इन्हीं चंदन रूपी गुणों की शीतलता और सुगंध से समस्त सृष्टि को सराबोर कर देना है। मेरा प्रश्न चिन्ह आज भी है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, दोस्तों सोचना आपको है, मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। याली हो, जय हिंद।